एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये ग्लैंड सिक्रेट करता है सब्सटेंस को डक्ट के थ्रू बॉडी सरफेस पर, जैसे स्वेट ग्लैंड, टीयर ग्लैंड, सलाइवा ग्लैंड एसेट्रा। ये ग्लैंड डिफरेंट ऑर्गन्स में मिलते हैं बॉडी में। एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड के थ्रू हॉर्मोन को टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाता है इंटरनली। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल इसका एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, डक्टल पोर्शन, ग्लैंडुलर पोर्शन। डक्टल पोर्शन ट्यूबुलर शेप होता है, सिंगल थिक क्यूबोइडल सेल वॉल है, ये हेल्प करती है सिक्रेट हुए सब्सटेंस की मूवमेंट में। ग्लैंडुलर पोर्शन प्रोड्यूस करता है सब्सटेंस को सर्कुलर सेल में। स्वेट ग्लैंड, ये सिक्रेट करता है स्वेट को। ये ग्लैंड ऑलमोस्ट एंटायर बॉडी सरफेस को कवर करता है, इससे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। सेबेकियस ग्लैंड, ये स्किन में प्रेजेंट है। ये ग्लैंड सेक्रेट करता है सीबियम को। सीबियम एक ऑयली सब्सटेंस होता है जो प्रोटेक्ट करता है हेयर और स्किन को। सलाइवेरी ग्लैंड, ये सेक्रेट करता है सलाइवा। सलाइवा हेल्प करता है फूड को चबाने में, निगलने में, डाइजेस्ट करने में। इनर लाइनिंग टिश्यू को ये प्रोटेक्ट करता है स्टमक की। लैक्रिमिनल ग्लैंड को टीयर ग्लैंड भी कहते हैं। ये लोकेट करता है अपर आईलिड्स में। ये सिक्रेट और क्रिएट करता है फ्लूड को आईज में जब हम ब्लिंक करते हैं। ये फ्लूड मॉइस्चराइज्ड प्रोवाइड करता है हमारी आंखों को। मैमेरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है मिल्क। ये मिल्क न्यूट्रिएंट रिच होता है जो बेबी के इम्यून सिस्टम को स्ट्रोंग बनाता है। सरम्यूनस ग्लैंड ईयर में प्रेजेंट होता है। ये प्रोड्यूस करता है ईयर वैक्स। ये वैक्स प्रोटेक्ट करती है ईयर्स को किसी भी फिजिकल डैमेज और इन्फेक्शन से। स्टमक ग्लैंड रिलीज करता है एंजाइम को। ये एंजाइम्स ब्रेक करते हैं हमारे फूड को, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फूड से। ब्रूमर ग्लैंड, ये लोकेट है स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, डियोडिनम में। ये प्रोड्यूस करता है म्यूकस। ये म्यूकस प्रोटेक्ट करता है डियोडिनम को स्टमक एसिड से, और डाइजेस्ट करने में फूड को ये हेल्पफुल होता है। एब्जॉर्ब करता है ये न्यूट्रिएंट को हमारे फूड से। लीवर और पैनक्रियास, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी होते हैं। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस डक्ट के थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। पैनक्रियास सेक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस को डक्ट के थ्रू गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। एक्सोक्राइन ग्लैंड तीन तरह के होते हैं, एक्राइन ग्लैंड, हेलोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन ग्लैंड। एक्राइन ग्लैंड में सब्सटेंस जो है वो सेक्रेट होता है डायरेक्टली डक्ट के थ्रू। इसमें सेल वॉल जो है वो ब्रेक नहीं होती। इसका एग्जाम्पल है स्वेट ग्लैंड। हेलोक्राइन ग्लैंड में सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाती है, तब जाके जो है सब्सटेंस रिलीज होता है। सेबेकियस ग्लैंड जो प्रोटेक्ट करता है हेयर और स्किन को, एग्जाम्पल है हेलोक्राइन ग्लैंड का। एपोक्राइन ग्लैंड में सेल मेम्ब्रेन जो है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाती है। डक्ट में कुछ पार्ट जो है मेम्ब्रेन का वो लॉस भी हो जाता है। मैमेरी ग्लैंड जो है इसका एग्जाम्पल है। एक्सोक्राइन ग्लैंड अफेक्ट होने से वेरियस डिसऑर्डर जो है बॉडी में अक्कर हो जाते हैं। हाइपरहाइड्रोसिस डिसऑर्डर में एक्सेसिव स्वेटिंग होने लगती है। स्वेट ग्लैंड प्रोड्यूस करने लगता है स्वेट को जरूरत से ज्यादा। एसिन वल्गरीज, सेबेकियस ग्लैंड जो है रिलीज करता है एक्सेसिव फैटी एसिड को, जिससे पिंपल्स जो है अक्कर हो जाते हैं स्किन पर। ब्रोमहाइड्रोसिस डिसऑर्डर में बॉडी से एक्सेसिव स्मेल आने लगती है।